भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के फेज वन का काम है वो लगभग पूरा हो चुका है और बहुत जल्द इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। आपको पता है कि ये एक ग्रीनफील्ड 8 लेन एक्सप्रेसवे होगा जिससे भविष्य में 12 लेन तक भी किया जा सकता है। अब तो दिल्ली से मुंबई के लिए NH 48 का यूज किया जाता है और इस हाईवे से दिल्ली से मुंबई जाने में 24 घंटे लगते हैं, लेकिन इस नए एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद इस दूरी को सिर्फ 12 घंटे में यानी कि आधे समय में पूरा किया जा सकेगा। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है उसकी बात करें तो ये होगी 1382 किलोमीटर पूरा सब मिला के, क्योंकि इसके साथ कई अन्य एक्सप्रेसवे भी बनाए जा रहे हैं इस रूट पर। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली DND फ्लाईओवर से शुरू होकर फरीदाबाद, सोहना, मेवात, दौसा, कोटा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, सूरत, विरार होते हुए मुंबई के JNPT पोर्ट के पास जाकर पूरा होता है, जिसकी जो लंबाई है वो है 1351 किलोमीटर। साथ ही इसमें फरीदाबाद से नोएडा जेवर एयरपोर्ट तक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जो कि 31 किलोमीटर का होगा, तो ये टोटल है वो 1382 किलोमीटर का हो गया है। और इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ पाएंगी, जिसको भविष्य में 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे में राजस्थान में वाइल्ड लाइफ एनिमल ओवर पासेज और अंडर पासेज को बनाया जा रहा है। इसमें 3 एनिमल अंडर पासेज और 5 एनिमल ओवर पासेज का निर्माण किया जा रहा है। यह पूरा एक्सप्रेसवे मार्च 2024 तक पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 1,00,000 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। इसके दोनों तरफ 15 लाख पौधे भी लगाए जाएंगे। तो ये होगा देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। तो इस पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता देना और लाइक कर देना वीडियो को।